तो जो ये सोलो सिको है ना, इसे रोमन रेंस बनने का बहुत शौक है। इसने आज रोमन रेंस के जैसे स्पेयर लगाया, ट्राइबल चीफ के जैसे ट्रिपल पावर बम मारा, इवन दोस्तों इसने पॉल हेमन से खुद को हेड ऑफ द टेबल कहलवाया है। लेकिन क्या ये रोमन रेंस बन सकते हैं, आज का सवाल है। जवाब जरूर दीजिएगा, मैं देखना चाहूंगा। ज्यादा कॉमेंट आने चाहिए, सोलो या फिर रोमन, कौन एक्चुअल में हेड ऑफ द टेबल है, कौन एक्चुअल में ट्राइबल चीफ है। आज की स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है जो कि लूज वेल्स लाइव थी, और इसके अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखे। शुरुआत देखने को मिलती है कि कोडी हाँ पार्किंग लॉट एरिया में खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं फनोमिनल ओवर एजे स्टाइल्स का। वहां एजे स्टाइल्स तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ वहां कोडी की बेताबी बढ़ती जा रही है। हम लोग दोस्तों अब देख रहे हैं ब्लड लाइन एंट्री ले चुकी है अलॉन्ग विद पॉल हेमन। यहां हम लोगों को इन सभी की तरफ से एक मेजर सेगमेंट देखने को मिलता है। यहां दोस्तों क्या चीज होती है कि सबसे पहले पॉल हेमन ये चीज कहते हैं कि वो सारी चीजों को ट्रैक पर रखना चाहेंगे और चीज बताना चाहेंगे कि जब तक रोमन रेंस वापस नहीं लौटते हैं, सोलो सिको उनकी गद्दी यानी कि हेड ऑफ द टेबल पर बैठेंगे। इस दौरान दोस्तों वी वॉन्ट रोमन ये चैंट लगती है, और फिर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है, चैंट धीरे धीरे भारी होती जाती है और पॉल हेमन के आवाज भी भारी होती जाती है। पॉल हेमन ये चीज कहते हैं चूंकि सोलो सिको हेड ऑफ द टेबल है इस वक्त, उन्होंने दो लड़कों को अपॉइंट किया है और आज इन्हीं दो लड़कों को हम करेंगे अनॉइंट। और ऐसे में यहां सबसे पहले अपॉइंट करते हैं दोस्तों हमारे अपने थामा ठोंगा को। ये चीज कहते हैं कि थामा ठोंगा को ऑलरेडी सोलो सिको जो है अपॉइंट कर चुके हैं, लेकिन यहां मुद्दा है कि उन्हें कौन सी गद्दी दी जा रही है। तो यहां जो थामा ठोंगा है वो बनते हैं सोलो सिको के राइट हैंड मैन। आपको याद होगा दोस्तों रोमन रेंस के केस में कौन था राइट हैंड मैन, यहां दोस्तों उन्होंने वो गद्दी दे दी हमारे थामा ठोंगा को। इसके बाद बात लगती है लोआ की। वहां पॉल हेमन कहते हैं कि जो ये सेरेमनी है ये तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती है जब तक हम ब्लड लाइन हिस्ट्री में लोआ को एडप ना करें। तो ऐसे में लोआ का आज से नामकरण होता है इन्फेमस ठांगा लोआ। यहां दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया ये टोंगा नहीं है, टांगा लोआ ही है, और इसे इन्फेमस का दोस्तों तमगा दिया गया है, बदनाम का तमगा दिया है, जिस पर दोस्तों एक काफी ज्यादा खुश हो जाता है, सोलो सिको को गले भी लगा देता है। सोलो सिको के साथ हग देखने को मिलती है इन दोनों की। फिर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि सोलो सिको जाने से पहले पॉल हेमन को रोक देते हैं और चीज कहते हैं पॉल हेमन ये चीज मत भूलो कि तुम्हें कहीं ना कहीं हमारा आभारी होना चाहिए कि हमने केविन ओवेंस से तुम्हें बचाया। यहां थामा ठोंगा भी कहते हैं कि केविन ओवेंस तुम्हें जान से मार देता अगर वहां हम नहीं आते, और बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ तुम्हें ना बचाते। इस पर दोस्तों पॉल हेमन को कहीं ना कहीं धन्यवादी होना पड़ गया, और धन्यवादी होने के साथ उन्होंने पाइप बॉम्ब भी गिरा दिया। यहाँ पॉल हेमन कहते हैं कि आपका धन्यवाद कि केविन ओवेंस ने मुझ पर अटैक किया, आपने बचाया, लेकिन केविन ओवेंस आज आपके पीछे ही पड़ रखा है। इस दौरान दोस्तों केविन ओवेंस की एंट्री हो जाती है, केविन ओवेंस अटैक कर देते हैं इन तीनों के ऊपर। लिटरली दोस्तों काफी बेवकूफी वाला मूव था, और इस दौरान पिटने लगते हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट आकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं। केविन ओवेंस दोस्तों यहां स्टील चेयर पकड़कर थामा ठोंगा ठांगा लोआ सोलो सिको आगे शॉट लगाते हैं और सभी को वहां से भागना पड़ जाता है। तो शुरुआत दोस्तों केविन ओवेंस ने काफी तगड़ी कर दी थी। बैक स्टेज सोलो सिको काफी गुस्सा थे, पॉल हेमन को कहते हैं कि जा एडम पेयर से एक सिक्स मैन टैग टीम मैच बना। इस दौरान हमें QR कोड भी देखने को मिला है जिसे हम आगे डिकोड करेंगे। इस दौरान हम बात कर लेते हैं अगले सेगमेंट की। तो गाइज बियांका बेलेयर जेड कारगिल का मैच था, और गाइज ये हो रहा था दोस्तों हमारी अपनी कैंडिस एंड इंडी हार्टवेल की टीम के खिलाफ। मैच को तो जीत जाती, लेकिन मैच के बाद शेना बेजलर एंड अल्बा फायर की जो टीम है वो गाइज अटैक कर देती है इनके ऊपर और इनकी तगड़ी पिटाई कर देती है, और फिर वो लड़ने लग जाती है चैंपियनशिप के पीछे आपस में। इस दौरान जेड कारगिल बियांका बेलेयर उठ खड़ी होती है और सभी को बिल्कुल चटनी बना देती है। तो बियांका एंड जेड की टीम काफी ओपी है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बैक स्टेज कीने कैल्डी समझा रहे हैं कोडी को कि बेटा चले जाओ, ऐसे इंतजार मत करो, ये जो स्टाइल्स नहीं आने वाला और तेरी वजह से मेरी जॉब भी खतरे में रहेगी। कोडी कहते हैं जो कुछ उसने किया तैने देखा है, मैं यहीं से नहीं जाने वाला हूं और इंतजार करने वाला हूं। इस दौरान दोस्तों डब्ल्यू वालों ने अगला मैच कन्फर्म कर दिया जो कि होने वाला है जॉनी गार्गानो वर्सेस ग्रेसन वॉलर का। लेकिन इस मैच से पहले एक बड़ा कांड हो गया, हुआ ये दोस्तों कि अपोलो क्रूज जिनका मैच होना था गार्जा के खिलाफ उन पर दोस्तों एस्कोबार की टीम ने अटैक कर दिया। इस दौरान ये मैच तो कैंसिल हो गया, लेकिन फिर एले नाइट वहां आते हैं जो कि लोगन पॉल के बारे में पूछते निकेल्डी से। हमें चीज देखने को मिलती है वहां जाते कार्मेलो हेज, और जो ये मैच
खत्म हुआ था 200 अपोलो का, ये अब रिप्लेस हो गया एलए नाइट और कार्मेलो हेस के मैच के द्वारा। अब गाइज हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो मैच जो कि मैंने आपको अभी बताया, जॉनी गार्गानो वर्सेस बॉलर शुरू हो चुका है। इस मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि ऑस्टिन थ्योरी को गलती से टेकआउट कर देते हैं जॉनी गार्गानो और अंदर दोस्तों फायदा मिलता है इसका बॉलर को। बॉलर अपना फिनिशर लगाते हैं, मैच को जी जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो टॉन्ट करते हैं और अपने दोस्त को देखते ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जल्द इनका ब्रेकअप होगा, ऑस्टिन थ्योरी को जैसे ट्रीट किया बॉलर ने, कहीं ना कहीं ऑस्टिन थ्योरी खास से ना खुश होंगे। कोडी रोड्स इंतजार कर रहे हैं बैकस्टेज की, अचानक से एजे स्टाइल्स आ जाते हैं, सनरूफ से बाहर निकालते अपना चेहरा, उनके साथ उसी की मेंबर्स भी थे। यहां गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया, लेकिन कोडी रोड्स का गुस्सा इतना ज्यादा था कि रिंग में जाकर उन्हें कॉल्ड आउट करते हैं और चीज कहते हैं माँ का दूध पिया तो रिंग में आ जा, जिस पर एजे स्टाइल्स आ भी जाते हैं। इस दौरान 200 निकेल्डिस बीच बचाव करने के लिए सिक्योरिटी भी ले आते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं देख तुझे मैं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तेरे पास है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप एट क्लैश एट द कासल। इस पर कोडी कहता है ठीक है तुझे चाहिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं वो चीज बुलवाऊंगा जो कि तू लास्ट वीक कहने वाला था, दैट इज आई क्विट। यानी कि दोस्तों आई क्विट मैच की डिमांड की है वो यहां, और निकेल्डिस ने थम्स अप किया, मैच कंफर्म हो गया। और उसके बाद दोस्तों कोडी अटैक करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक बॉडीगार्ड्स को टेकआउट भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें इस तरीके से पकड़ लिया जाता है। एजे स्टाइल्स मौके को भुनाते हैं और फोर आर्म लगाकर दोस्तों वहां से चिप अटैक करके वहां से निकल जाते हैं। यस इट्स कंफर्म्ड क्लैश ऑफ द कासल में होने वाला आई क्विट मैच, डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने ग्राफिक भी लॉन्च कर दिया, आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। यहां दोस्तों बियांका बेलेर जेड कारगिल कह रही है कि उन्हें भी एक सिक्स वुमन टैग टीम मैच चाहिए, वो दोनों टीम्स को फेस करना चाहती है एक ट्रिपल थ्रेट में। बेसिकली दोस्तों वो एक मैच चाहती है ट्रिपल थ्रेट, अल्बा एंड फायर की टीम, इवन शेना बेजर की टीम को दोस्तों वो फेस करने के लिए तैयार है क्लैश एट द कासल। उन्होंने निकेल्डी से बात कर ली है। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं कार्मेलो हेज वर्सेस एले नाइट का मैच, मैच को दोस्तों एक तरीके का आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पिन लेकर एले नाइट जीत गए। उन्होंने कॉल्ड आउट किया लोगन पॉल को, जिसका लोगन पॉल भी हमें बिग स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, चीज कहते हैं एक मेगा स्टार मुझे कॉल्ड आउट करा जिसने अभी भी कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीती है, देखो मैं एक दूसरी चीज की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन उसके अंदर भी मैं जीतूंगा। और रही बात मेगा स्टार की, तो बेटा तुमसे कुछ ना हो पाएगा, जब मैं लौटूंगा फिर से तुम्हें नाबूद करूंगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनका मैच भी जल्द आप लोगों को कन्फर्म होते हुए नजर आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से समर स्लैम तक डब्ल्यू वाले से ढकेल सकते हैं। यहाँ टिफनी ने नाया से बात की, ये चीज़ कही कि अगर कभी तुझे जोत पड़ी तो मैं तेरी बैक देख रही हूँ। इस दौरान दोस्तों नाया को मशीन जो है वो कन्फ्रंट करती है और उनके चेहरे पर कह सकते हैं दोस्तों एक ग्लास दे मारती है ड्रिंक का, और फिर दोस्तों नाया जैक से अटैक करती है मशीन के ऊपर, लेकिन बॉच हो जाता है नाया से, नाया गिर जाती है नीचे। फिर दोस्तों दोनों के बीच में भसड़ होती है और रेफ्स आकर इन दोनों को छुड़ा देते हैं। तो नाया से बॉच हो ही जाता है इवेंचुअली। हम लोग देख रहे हैं बेली का और गाइस पाइपर नीवन का फेस ऑफ। इस दौरान दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिल रही है, एक दूसरे को कॉल्ड आउट करती है बेली दोस्तों, बात करती है दोस्तों पाइपर नीवन की, ये चीज़ कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें इसके साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, चेल्सी ग्रीन की बातें सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पाइपर नीवन कहती है यार तुम मेयंग की बात करिए, मेयंग क्लासिक 2017 में हुआ था स्कॉटलैंड में, मैंने अपनी घिसाई है, वो मेरा होम टाउन है जहां हम दोनों का मैच होने वाला है, मैं 2008 से फाइट कर रही हूं। और रही बात तेरी, तूने परफॉर्मेंस सेंटर में छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर की होगी, लेकिन मैंने दुनिया भर में चैंपियनशिप जीती है और कुछ ऐसा ही स्कॉटलैंड में होगा जहां मैं ब्रांड न्यू चैंपियन होंगी। तो काफ़ी सॉलिड ट्रीटमेंट यहां दे चुकी थी। बैकस्टेज दोस्तों नायोमी एंड चेल्सी ग्रीन की तू तू मैं हो जाती है, निकेल्डिस नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच कन्फर्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीक दोस्तों ग्रेसन वॉलर इफेक्ट भी होगा, जिसके अंदर DIY गेस्ट है, और मशीन वर्सेस नाया जैक्स भी कन्फर्म हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, काफ़ी सॉलिड मेन इवेंट था दोस्तों आज का, सोलो सिकॉक की टीम यानी कि द ब्लड लाइन वर्सेस केविन ओवेंस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट, अ सिक्स मैन टैग टीम मैच, एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर दोस्तों शुरुआत में हमें चीज देखने को मिलती है टांगालोआ एंड थामा टोंगा काफी डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन फिर सोलो सिकॉक के हाथ में टैग जाता है जो कि और ज्यादा डोमिनेट करते हैं। सभी की पिटाई हो रही थी, केविन ओवेंस को टैग नहीं मिल रहा था, इवेंचुअली केविन ओवेंस को टैग मिल ही जाता और फिर केविन ओवेंस ने तगड़ी पिटाई की वहां सारे सारे ब्लड लाइन मेंबर्स की, लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं, जहां दोस्तों हमें मेजर एंगल देखने को मिलता है। वहां दोस्तों जो मॉन्टेज जो कूद लगाते हैं ना वो कूद लगा देते हैं, और गाइस सोलो सिकॉक को इतना गुस्सा आता है कि चेयर से वहां मॉन्टेस को मार देते हैं, मैच खत्म हो जाता है VRDQ। यहां ओवेंस की टीम जीत गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने पिटाई करनी स्टार्ट कर दी इन सभी की, और वहां हमें फिर जो चीज देखने को मिली वो काफी दोस्तों गुस्सा दिलाने वाली थी। सोलो सिकॉक ने दोस्तों मॉन्टेस फोटो को ऐसे पकड़ा और सभी को लगा कि स्पाइक करेंगे, वहां दोस्तों उन्होंने उल्टा स्पीयर लगा दिया, लिटरली ट्राइबल चीफ के जैसे रोप वाला स्पीयर लगाया
16 शिकार है जहां उन्हें तगड़े वाली बू मिली। लोगों की चैंट वहां साफ सुनने को मिल रही थी, रोमन रोमन की। रोमन तो नहीं थे, लेकिन फिर दोस्तों वहां 16 शिकार ने चीजों को नेक्स्ट लेवल ले जाने की कोशिश की और वो गए भी। वो दोस्तों क्या करते हैं, बाहर ले जाते केविन ओवंस को, साथ में ठामा ठोंगा लोहा भी थे, और ट्रिपल पावर बम उन्होंने वहां अनाउंसर डेस्क के ऊपर लगाया जो कि टूट जाता है। उसका पॉल हेमन का रिएक्शन आता है, पॉल हेमन ये सब देखकर खुश नहीं थे, लेकिन इवेंचुअली उन्हें भी अक्नॉलेज करना पड़ गया वहां सोलो सिकोआ को। और कुछ इस तरीके से दोस्तों आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हुई है। आज के स्मैकडाउन में दोस्तों सोलो सिकोआ ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बारी रोमन रेंस को मॉक किया है। वो रोमन रेंस से मैच चाहते हैं, ये चीज क्लियर हो चुकी है। यस, कह सकते हैं कि रोमन रेंस की अनुपस्थिति में ये खुद को हेड ऑफ द टेबल कह रहे हैं, लेकिन वो हेड ऑफ द टेबल तब तक नहीं बन सकते जब तक रोमन रेंस उन्हें नहीं बनाते, और रोमन रेंस बिल्कुल नहीं बनाने वाले जैसे उनके एक्शंस है। यहां उन्होंने स्पीयर लगाया, ट्रिपल पावर बॉम्ब लगाया जो कि शील्ड का था और कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच था। तो मुझे लगता है दोस्तों रोमर्स तक तगड़ी तोड़ने वाले जब भी वो लौटेंगे। वीडियो आज कितनी थी, वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शबक है।